नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि एक आयताकार पार्क की चौड़ाई लंबाई से 18 मीटर अधिक है, यदि पार्क में बाड़ लगाने की लागत 25 रुपए प्रति मीटर की दर से 4100 रुपए है तो पार्क की लंबाई क्या है। ठीक है, एक उसने कहा है कि एक पार्क है, कैसा है, आयताकार है। तुझे हमने बना लिया एक आयताकार पार्क है। ठीक है, आगे वह कह रहा है कि जो इसकी चौड़ाई है, यानी कि जो पार्क की चौड़ाई है लंबाई से 18 मीटर अधिक है। अगर हम लंबाई को x मानते हैं तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x प्लस 18। ठीक है, हमने यहाँ क्या किया कि लंबाई को x मान लिया तो चौड़ाई ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी, x प्लस 18। ठीक है, ये हमारा प्रश्न ने जो कहा था वो हमने लिख लिया। अब आगे वह कह रहा है कि यदि पार्क में बाड़ लगाने की लागत 25 रुपए प्रति मीटर की दर से 4100 रुपए है। ठीक है, उसने कहा है कि जो पार्क में बाड़ लगाई जाएगी चारों तरफ उसकी कॉस्ट 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर है और टोटल कॉस्ट कितनी है, 4100 रुपए है। यानी हम टोटल कॉस्ट में प्रति वर्ग मीटर कॉस्ट का भाग दे दें तो हमारा परिमाप निकल आएगा, क्योंकि जो बाड़ लगेगी वो चारों तरफ लगेगी और चारों लंबाई, चारों तरफ की लंबाई का योग ही क्या होता है, परिमाप। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप कैसे निकलेगा, कुल लागत, जो भी उसकी कुल लागत लगी है उसमें हम किसका भाग देंगे, प्रति वर्ग नहीं प्रति मीटर लागत का भाग देंगे। जो प्रति मीटर उसकी लागत होगी उसका भाग दे देंगे तो हमारा आयताकार मैदान या आयताकार पार्क का क्या निकल आएगा, परिमाप निकल आएगा। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या हो गया, कुल लागत भागे प्रति मीटर लागत। अब आयत का सूत्र क्या होता है परिमाप का, दो लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ कुल लागत कितनी थी, 4100 और प्रति मीटर लागत कितनी है, 25। ये हमने लिख लिया, यहाँ दो लंबाई की वैल्यू है x और चौड़ाई की वैल्यू है x प्लस 18। यहाँ 25 से काट देंगे, 25 एकम 25 बचा 16 हो गया 160, 25 सिक्का 150 बचा 10 और 25 चौको 100 164 हो गया। x x मिला के कितना हो गया, 2x प्लस 18। अब यह दो चला जाएगा नीचे, तो 164 भागे 2, दो से काट दो, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, तो 2x प्लस 18 बराबर हो गया 82। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 82 माइनस 18। ठीक है, अब 82 में से 18 को जब माइनस करेंगे तो 2x बराबर बचेगा 64, तो x बराबर क्या बचेगा, 64 बटे 2, दो से काट देंगे तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 32 उकाय में था मीटर में। तो ये इसकी लंबाई, क्योंकि लंबाई हमने क्या मानी थी, x ही मानी थी, तो l बराबर l x थी तो क्या निकल आगे के आ गई, 32 मीटर। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको इस तरीके से थोड़ी समझना है फिर सॉल्व करना है। जैसे उसने कहा था कि इसकी लंबाई चौड़ाई लंबाई से 18 मीटर देखे, तो हमने इसको लंबाई को x माना तो चौड़ाई ऑटोमेटिक x प्लस 18 हो गई। अगली कंडीशन कही थी कि पार्क में बाड़ लगाने की लागत 25 रुपए प्रति मीटर की दर से 4100 रुपए है, तो कुल लागत में हमने प्रति मीटर लागत का भाग दे दिया तो क्या निकल आया, आयत का परिमाप। सबकी वैल्यू रख दी, एक्स की वैल्यू निकल आई, एक्स ही हमने लंबाई को माना था तो लंबाई कितनी निकल के आ गई, 32 मीटर। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।